हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तो आज हम जानते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर कैसे बनते हैं और उनके बीच में कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं। तो आइए सीखते हैं इनको। हम देखिए रियल नंबर क्या है। हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑन इट्स गोइंग ऑन। If you were asked to count the numbers, तो जो counting numbers आप count कर रहे हो, these numbers can be expressed using set notation. Set notation के अंदर इनको लिखा जा सकता है। तो ये जो counting numbers हैं तुम्हारे सारे, इनको हम natural number के नाम से जानते हैं। 1 2 3 4 so on, ये जो जा रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, natural number कहते हैं। अब इन्हीं काउंटिंग नंबर में यानी जो नेचुरल नंबर हैं, अगर इसके साथ हम जीरो को अटैच कर दें, जीरो को इसके साथ लिख दें, इफ वी इंक्लूड जीरो वी हैव द सेट ऑफ होल नंबर, तो इनको क्या बोला जाएगा कि ये होल नंबर बन गए हैं। अगर नेचुरल नंबर जो है हमारे उनके बीच में जीरो को ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं, यानी नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स। Include the opposite of the whole numbers and you have the set of integers. कहने का मतलब है कि अगर हम सारे जो हमारे नंबर हैं, अगर हम इनके ऑपोजिट साइन भी ले लें, यानी यहाँ पर तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये पॉजिटिव वाले साइन वाले हैं, अगर इनके साथ हम नेगेटिव को भी अटैच कर दें तो जो नंबर्स आएंगे उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। कि जो भी हमारे नंबर हैं उनके साथ नेगेटिव वाले नंबर भी सारे माने जाएंगे, तो जो सारे सेट्स ऐसे नंबर बनेंगे उनको हम इंटीजर के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद क्या आया, जीरो ऐड हो गया, होल नंबर्स बने आपके। उसके बाद जितने होल नंबर्स आपके जो बने हैं ये पॉजिटिव में है, अगर इनके ऑपोजिट साइन नेगेटिव में भी काउंट कर लिए जाए सारे नंबर तो वो क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएंगे। इसमें नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। होल नंबर्स आर ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड काउंटिंग नंबर्स आर ए सबसेट ऑफ होल नंबर। तो सिंपल सी बात है, होल नंबर जो है हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, पहले आए फिर होल नंबर्स आए, हमारे होल नंबर्स के बीच में सारे काउंटिंग नंबर है, देन हमारे पास आए इंटीजर्स, इंटीजर के बीच में हमारे होल नंबर्स हैं और उनके बीच में हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग नंबर में 1 2 3 4 था, होल नंबर में 0 ऐड हो गया था वो, एंड बाकी सारे नंबर तो वो काउंटिंग नंबर वाले थे। इंटीजर्स में नेगेटिव वाले भी आ गए एंड पॉजिटिव वाले भी आ गए, तो वो इंटीजर्स हो गए आपके। ठीक है, इसको इस तरीके से माइंड में रखना है आपने। अनदर बात, एक बात आपके साथ करते हैं, रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इफ वी एक्सप्रेस ए न्यू सेट ऑफ नंबर्स एज अ कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स वी हैव द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर हम किसी सेट ऐसे नंबर को मिले जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके तो उनको रैशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिस मीन्स डिवाइड वन इंटीजर बाय अनदर टू मेक ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारे जो आएंगे इनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। और ये रैशनल नंबर के बीच में ही इंटीजर्स आएंगे, उनके बीच में ही हमारे होल नंबर्स आएंगे, उनके बीच में हमारे काउंटिंग नंबर्स भी आएंगे। तो ये तो हमारे हो गए रैशनल नंबर्स का सेट। अच्छा, जो नंबर रैशनल नहीं है, जो नंबर रैशनल नहीं है उनको हम क्या कहते हैं कि वो इरैशनल है। जो नंबर हमारे रैशनल नहीं है वो इरैशनल में काउंट होंगे, तो इरैशनल नंबर्स के पार्ट्स कुछ अलग होंगे, लाइक पाई, अंडर टू, ये हमारे इरैशनल नंबर हैं जिनको मैंने येलो पार्ट से आपको अलग से शो किया है। तो ये सारे जो हमारे पास नंबर्स अब सिस्टम बने हैं, रैशनल नंबर्स हमारा ब्लू वाला पोर्शन है, उसके बीच में ही हमारे इंटीजर्स हैं, उसके बीच में ही होल नंबर हैं, उसके बीच में काउंटिंग नंबर्स हैं। इरैशनल नंबर्स के पार्ट अलग हैं जो कि रैशनल नहीं होते हैं, येलो वाला पोर्शन जो सारा बनाया है मैंने। तो इन सारे सेट का जो पूरा पूरे जो सेट बना है हमारा मिला के इन सभी नंबर्स को, इसी को बेटा हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या है और रियल नंबर के बीच में कौन कौन से नंबर काउंट होते हैं और रियल नंबर किन नंबर्स को मिला के
बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके ऊपर फर्दर और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।